कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे लोहा बाजार की जानकारी, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एशिया की लार्जेस्ट मंडी, इसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ पुराने लोहे में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, कास्ट आयरन का भाव है, 4C CRC कॉयल और सरिये के भाव में आपके आने वाले सोमवार के दिन बाजारों में किस तरीके से इस हफ्ते बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरीके की लोहे संबंधित जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और बता देते हैं, हम लोग अक्टूबर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, जिन लोगों को देखना हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट पे किस तरीके से कामकाज हुआ। मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट में 51,100 रुपए बीते हफ्ते बाजारों में एक सुस्त कारोबार देखा गया। बाजारों में एक रेंज में ही बाजार 50,500 रुपए से 51,500 रुपए तक की रेंज में बाजारों में कामकाज किया। MS इंगट का भाव 51,100 रुपए रहा, इसमें 100 रुपए की हल्की सी नरमी के साथ बाजार बंद हुआ। अगर MS स्क्रैप की बात कर लेते हैं तो MS स्क्रैप का भाव भी 39,600 रुपए रहा। MS इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,500 रुपए हो गया। चलिए जानेंगे कास्ट आयरन की स्थिति क्या है। कास्ट आयरन के भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कास्ट आयरन का मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 42,300 रुपए, इंपोर्टेड के बाद 43,300 रुपए रहा। चलिए जान लेते हैं 4C CRC कॉइल की स्थिति क्या रही। लुधियाना 4C कॉइल के में बढ़त दर्ज करी गई। 4C कॉइल का भाव 57,000 रुपए हो गया। CRC कॉइल का भाव 56,500 रुपए। इसी के तहत गाजियाबाद 4C कॉइल का भाव 57,000 रुपए, CRC सीट का भाव 64,000 रुपए रहा। कोलकाता 4C सीट में भी हल्की फुल्की बढ़त के साथ कामकाज हुआ। कोलकाता 4C सीट का भाव 55,100 रुपए, CRC सीट का भाव 64,000 रुपए हो गया। या जो भी रेट आपको बताएं, बेसिक रेट है, 18% GST लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होगा। चलिए अब जान लेते हैं रायपुर एचबी वायर का किस तरीके से। रायपुर एचबी वायर के भाव में भी 200 रुपए प्रति टन की बढ़त दर्ज करी गई। रायपुर एचबी वायर का भाव 55,300 रुपए हो गया। GI वायर का भाव 59,800 रुपए। इसी के तहत MS पाइप का गोविंदगढ़ पाइप का भाव 54,300 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 53,500 रुपए रहा। यह भी बेसिक रेट है, इस पर 18% GST लोडिंग और लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होगा। चलिए जानेंगे TMT की किस तरीके से कामकाज हो रहा है। मंडी गोविंदगढ़ में TMT 55,600 रुपए बाजारों में कामकाज हो रहा है। दुर्गापुर का भाव 51,800 रुपए पे कामकाज हुआ। इंदौर का भाव 55,400 रुपए, रायपुर का भाव 52,200 रुपए रहा। जयपुर का भाव 54,300 रुपए। मुजफ्फरनगर की अगर बात कर लेते हो तो 53,100 रुपए पे कामकाज हुआ। भावनगर का भाव 55,300 रुपए, गाजियाबाद का भाव 55,200 रुपए, जलना का भाव 55,300 रुपए रहा। तो लगातार आप देख रहे हैं सरिये के भाव में भी एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। सरिये के भाव में अगर 54,500 से 54,000 रुपए की रेंज में आपको कहीं बाजार मिलता है तो वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे आने वाले समय में बाजार 57,000 रुपए से ऊपर के भाव दिखा के चल सकता है। तो बाजारों का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। बाजारों में जैसे कि आपको बताते हुए चले आ रहे हैं, जो इंगट में भी एक सपोर्ट ले रहा है 50,000 रुपए का। इंगट में 50,000 रुपए का सपोर्ट जब तक होल्ड रहेगा तो बाजारों में आप देखेंगे आने वाले समय में बाजारों में एक अच्छी रिकवरी बाजारों में देख के चल सकते हैं। ऊपर में 52,000 से 53,000 रुपए के भाव आप लोगों को दिखाई देंगे। चलिए जान लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 50,200 रुपए। इंगट का सपोर्ट का लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल 52,000 रुपए। इसी के तहत MS स्क्रैप का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 39,000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 40,500 रुपए देखा जा रहा है। और इस जानकारों के अनुसार मार्केट का ओवरऑल आउटलुक स्टेबल है। बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं और खरीदार आगे आने वाले से हमें एंगल पाइप पतरा गाटर चैनल के भाव में भी आपको बढ़त दिखाई देकर चल सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।